told her, meet me in the back. That ass fat, and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a wrap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan, and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think. आज जा रहे हैं हम लोग अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम मैच देखने के लिए, और ये आ चुके हैं अपने दोस्त लोग प्रिंस एंड मौलिक. मौलिक क्या बोलता है? बहुत वेट कर रहा है आप. तेरी आंखों से पता चल रहा है तू क्या कर रहा है आजकल. One hour later. तो अभी एक प्लान में थोड़ा छोटा सा चेंज है. हम लोग पहुंच गए नड़ियाद. ये भाई को कुछ तो मोबाइल वोबाइल का काम है. प्रिंस को थोड़ा सा अभी यहाँ का काम निपटाते है, उसके बाद चलते. तो हम लोग वापस से एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं. नड़ियाद से बाहर निकल गए. अपना काम हुआ नहीं. प्रिंस को 30,000 रुपए में चाहिए था 11 प्रो मैक्स. कितने में? 56 GB. कितने में? 30,000 रुपए में. तूने तो बोला और एक गाड़ी है जिसमें चार लोग है, वो लोग भी आ रहे हैं. एक बार मिलेंगे तो दिखाते हैं कौन कौन है अपने साथ. तो ये रहा मैप में, ये रही अपनी दूसरी गाड़ी, आगे जा रही है. लाइव लोकेशन से उसको पकड़ रहे. अभी नजदीक आ गए, आप लोगों को मिलाते हैं कौन है अपने साथ जब गाड़ी नजदीक आती है. देखो हमारा ब्लू डॉट है और आगे जा रही है अपनी दूसरी गाड़ी. ये रही अपनी दूसरी गाड़ी. मानसिंह, मानसिंह जा रहा है. मानसिंह, मानसिंह, मानसिंह ही है ना बे, और कोई नहीं है ना. हाँ वही मानसिंह ही है. तेरे को आना है तो आ, नहीं आना है तो मत. क्यों है? ठीक है, पांच नहीं बे, छह. चार पांच है, तो ये रहा अपने पहुंच गए अहमदाबाद. ये रहा देख लो टोल टैक्स, यहाँ से अहमदाबाद चालू. हमारा KGF भाई दे दे इन लोगों की चार टिकट, इनका पर अपने को मगजमारी ना रहा है. और इसका VIP पास भी दे दे पार्किंग का. टी शर्ट लेना है RCB का आपने, विराट वाली टी शर्ट तू मुझे गिफ्ट देने वाला है. ठीक है, तूने बोला था. कब बोला था? कल बोला था. कब बोला था? मर्द की चुबाने के औरत की साले. इसीलिए ऐसा है. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ये डालू क्या मैं? मैडम को तो जानते ही हो आप लोग. ये रहे मैडम, मैडम भी आए हमारे, सालू मैडम. अरे ये तो जैसलमेर वाले कपड़े पहन के ही आए. जैसलमेर से डायरेक्ट आए हो क्या? गजब बेइज्जती है. हाँ भाई मैं भी वही पहन के आया, जैसलमेर वाला. जैसलमेर गोवा वाला है, गोवा भी पहन के. चलो अभी निकलते. टिकट भाई खो मत देना यार, तू मेहरबानी कर गया. क्या हुआ है कि भाई टिकट बिना एंट्री नहीं है, फिजिकल टिकट चाहिए. KGF भाई अपने को तो टिकट की जरूरत. तो हम लोग वापिस से आ गए BMW में सर करने के लिए. लेना कुछ नहीं, 28 लाख में 28 बार आटे मराएगा ये. भाई 28 लाख क्या छोटी अमाउंट है क्या? आज आपको बाइक कैसे रेडी हुई है वो दिखाएंगे. ऐसा बाइक का तो वीडियो में बता दिया कि बाइक कौन से है वो. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. अभी अनवील करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे तो पता चलने ही वाला था ना भाई. अपनी बाइक रेडी हो गई थी, जो अनबॉक्सिंग किया था उसके बाद बाइक प्रॉपर तरीके से, मतलब सब चीज लगानी होती है वो लगा के रेडी हो गई है. थोड़ा सा दिखने आए क्योंकि डिलीवरी अभी शायद से 8-10 दिन बाद होगी, नहीं आएगी. उसके बाद 6 तारीख को डिलीवरी लेने वाले. जबरदस्ती का ब्लॉगिंग मत कर. तो ये रही अपनी बाइक रेडी हो गई थी उस दिन अनबॉक्सिंग के दिन पे. ये सब लगा नहीं था, ये वाला एंगला विंडस्क्रीन ये सब लगा नहीं था. बाकी अभी सब रेडी हो गया है. 40th एनिवर्सरी के साथ जो टॉप बॉक्स का आता था वो रेगुलर वाला टॉप बॉक्स लगता नहीं, तो ये ऑर्डर किया, ये आ जाएगा. देख के मजा आ गया, एक बार चालू करके दिखाते हैं. भाई गजब खिलेंगे, यही चाहिए था. तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, इस्कॉन चार रास्ता पे खड़े हुए हम लोग. अभी जैसे आपको बाइक दिखा दी थोड़ी सी, बस इतना ही अभी आज के लिए. तो आपको पूरी तरह से डिटेल विटेल सब मिलेगा जब डिलीवरी होगी तब. डिलीवरी के वीडियो में भी कुछ को दिखाना पड़ेगा ना भाई, ये व्लॉग है अपना IPL मैच का. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोका. हम जब भी आते हैं अहमदाबाद तो मोका खाना खाने जाते ही जाते हैं. तो वहाँ पे जा रहे हैं खाना खा के, बाद में मैच के लिए निकलेंगे. मौलिक उतर चुके हैं अभी, ये देख रहे हो भीड़.
यहाँ से ऐसे करके ये फ्लाईओवर के साइड से हमको जाना है, ये रास्ता दिया हुआ है, सामने रास्ता दिया है, वहाँ से ही जाना है भाई। खतरनाक ट्रैफिक है और पुलिस का बंदोबस्त देखो। खतरनाक भीड़ है, मास्क चाहिए होगा नहीं तो कुछ नहीं। पहले पहले बोला था कि दो रंग देना देख में, अभी मास्क रुमाल नहीं है मेरे पास, तो मास्क वास्क कुछ है नहीं हमारे पास, और हम जा रहे हैं मैच देखने। दूसरे दे तो अच्छा है। मानसिंह पता नहीं कहाँ चला गया, हमारे से अलग हो गई गाड़ी वो, पता नहीं हम दोनों ही अभी तो गया है गोल्डी को लेने। गोल्डी साले तेरी वजह से प्रिंस हमारे साथ नहीं आ पाए, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मैच के बाद मिलेंगे। उन लोगों को अंदर घुसने नहीं देंगे, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, अभी घुसने देंगे तो अच्छा है, वरना हो रहा। स्टेडियम आई थिंक वही है स्टेडियम, देख लग तो वैसे ही रहा है। हाँ वही है, स्टेडियम की लाइनें दिख रही है ऊपर, देख रहे हो भीड़ देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है। आरसीबी दिखाई दे रही है सब जगह पे, रेडी हो रहा है सब। मेडिकल शॉप दिखाई दे तो अच्छा है मास्क के लिए, इनके पास मास्क होगा ना यार, आरसीबी फारसीबी का पूछते हैं। चल ये भीड़ के अंदर घुस पाएगी ऐसा लग रहा है, घुस जाएगा, खतरनाक भीड़ है भाई। फाइनली हमको एंट्री मिल गई है इधर से, अभी हम जा रहे हैं। ये देखो क्या प्यारा स्टेडियम रखवाए इससे ब्रो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने वाला है अपना, और फाइनली हम एंट्री लेने वाले हमारी लगने वाली है, कैसे लगने वाली है शायरी बचकर कुछ नहीं होने वाला है। वन बी अपने को इस तरफ जाने के भाई, लेफ्ट साइड गोरा 1B देख, टिकट दूसरे भाई ले ले तारी टिकट पकड़ी ले, गजब एटमोसफियर है, गजब गजब। अभी तो और गर्मी तो बहुत ही लग रही है, आवाज सुन सकते हो स्टेडियम में क्या क्या बात है। अभी हमारी सीट ढूंढने की, हमको ई टावर में जाना है, ई अभी पता नहीं कहाँ पे, इधर ही है यहाँ पे, ये भाई इधर है वॉशरूम, पता नहीं किधर है ये दिव्यांग वाले टॉयलेट में, हमने वॉशरूम खत्म कर लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने स्टैंड की तरफ, और ये रहा अपना ई ब्लॉक 118-119 भाई, गजब व्यू आने वाला है ना इधर से, तो बहुत नजदीक है। कमेंट्री बॉक्स भी अपने साथ ही है ये रहा, और यहाँ पे होने वाला मस्ती भाई। कहाँ पे है बे? N60 किधर है? नीचे होगा मेरे ख्याल से भाई। तो फाइनली बुक माई शो वाले भैया ने अपना टिकट का जुगाड़ करवा दिया, कहाँ पे सीट अपनी भाई, बहुत नजदीक है ना आपका, तो बहुत नजदीक है। चलो अपनी तो सीट आ गई है, मजा आने वाला है, इधर से तो मैच मस्त दिखेगी। उधर से बॉल आएगी, कोई तो झक्का वक्का मारेगा तो अपने पास आके गिरेगी। क्या हम दोनों आ चुके हैं, बाकी पता नहीं कौन है, वो आए नहीं अभी तक, पर क्या खतरनाक वाइब है, क्या खतरनाक वाइब है देखो। और फाइनली लेट लतीफ लोग आ चुके हैं, ये देखो कहाँ रह गया था, गाड़ी पार्किंग करने गए, कहाँ पार्किंग करने गया था जंगल में बावड़ी, हम लोग भी वहाँ पे उतर गए। तुम लोग के पास ड्राइवर था, पूरा वाइब देखो क्या प्यारा वाइब चल रहा है। ये है स्क्रीन और बहुत ही नजदीक है, 1 किलोमीटर चले, कितना नजदीक है अपने यार। अरे भाई कोहली यहाँ से बढ़िया दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा कोहली कोहली। तो अभी ये म्यूजिक बंद हुआ है इसलिए हम लोग ब्लॉग कर पा रहे हैं, देखो अभी सब प्लेयर्स नीचे उतर रहे हैं, तो सब
सब आवाज हो रही है। बाकी ये वाला डग आउट है जहाँ से आरसीबी के प्लेयर आएंगे और वो वाला डग आउट है जहाँ से राजस्थान के प्लेयर आएंगे। ये देखो चाहल प्रैक्टिस कर रहा है, अगर आपको देख पा रहे हो तो चाहल। Butler.
अब बटलर का कैच छोड़ेंगे तो हारेंगे ही ना। अरे आर 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 आर। बटलर का कैच छोड़ दिया, ट्रिपल आ रहा है, ये डबल आ रहे हैं। डीके ने बटलर का कैच छोड़ दिया खत्म। A little later. तो कैसा लगा आपको? जरा का मुंह छोटा सा हो गया। मुंह छोटा हो गया। जबरदस्ती हंस रहे हो। बैड लक। आरसीबी वालों के लिए कोई न्यूज़?